वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरा जो व्लॉग है काफ़ी दिनों बाद आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज मैं आपको बता दूँ कि मेरे गांव में प्रतिष्ठा है, तो अभी देवता जी हमारे गांव में पहुँच चुके हैं। अभी वो हमारे पुराने घर यानी कि जो गांव में हमारा घर है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। अगर आपको शायद ढोलक की आवाज़ आ रही होगी, हम चले जाते हैं फटाफट से क्योंकि मम्मी को पोल्डू बनाने के लिए थे। चलो तो हम जाते हैं फटाफट से और जिमी को यही छोड़ देते हैं। सो आपको ऊपर मिलते हैं, बाय बाय। अब आ गई हूँ वापस क्योंकि मेरे मामू जी आ गए हैं सारे और हमने लॉक लगाया था, उस वजह से मुझे जाना पड़ा जल्दी जल्दी। अब भी देवता जी को बिठा लिया है जहाँ वो हमेशा बैठते हैं जब मेला होता है। और साथ में है मेरे साथ शाश्वत जो मेरी बुआ का बेटा है। हाय शाश्वत। हाय। हाय, कैसे हो आप? ठीक हो? और कैसा लगा आपको प्रतिष्ठा, कैसी लगी आपको? हाँ, अच्छी लगी। अच्छा, और ये भी मेरे घर पहली बार आ रहा है तो मैंने सोचा इसको अपने साथ लेके जाती हूँ। शाश्वत नाम से गिरना नहीं, ठीक है? सो गाइज, मिलते हैं आपको बाद में। अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव वाले घर पे क्योंकि खाने का अरेंजमेंट हमने यहीं पे करा है, सबने करा है। तो अभी हम चले जाते हैं, वैसे अंधेरा है काफ़ी। मामी यहाँ पे वेट कर रहे हैं, आप मामी से भी मिल लीजिए। हेलो मामी। Hello. कैसी लगी आपको मेरे गाँव की ठंड? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। थोड़ी ओ गॉड, हमें इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है फिर भी ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे गांव से ज़्यादा नहीं है यहाँ पे ठंड। सो गाइस, हम आपको खाना खाने के बाद मिलते हैं। गाइस, अब हमारा डिनर टाइम है और हम हैं अपने गांव वाले घर पे और मामी खा रहे हैं। क्या खा रहे हो मम्मी? क्या खा रहे हो? देखिए कैमरा आपको देख रहा है इसलिए झूठ मत बोलिएगा जी। इसको हम अपनी लोकल भाषा में पोल्डू बोलते हैं। हाँ, तो गाइज़ आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि ये पोल्डू होते हैं। इसमें मटर पनीर और राजमा की दाल। वैसे मुझे पनीर पसंद नहीं है तो ये मामी खा लेंगे, बाकी खाना खाने के बाद मिलते हैं। सो बाय बाय। इज़ गुड मॉर्निंग, आज प्रतिष्ठा का सेकंड डे है और हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि जो प्रतिष्ठा का जो टाइम होता है करने का वो होता है मॉर्निंग का टाइम। तो हमने फटाफट से ब्रेकफास्ट किया और हम चल पड़े हैं। वैसे हम ज़्यादा तैयार तो नहीं हुए हैं क्योंकि मुझे लगा कि तैयार होना भी नहीं पड़ेगा। हम चलते हैं, मम्मी वगैरह थोड़ा बाद में आएंगी तो मैं और मम्मी वगैरह भैया सब जा रहे हैं। तो आप पता नहीं कब तक आएंगे। आपसे मिलेंगे हम ऊपर जहाँ पे प्रतिष्ठा होने वाली है। बाय बाय। न्यू जर्नी विद अमी विस्ट एंड 49ers। चलो भी चलो। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं हम और ये है हमारी कुलदेवी चंडिका माता जी का मंदिर, ऐसे से थानी बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। और यहाँ पे है प्रतिष्ठा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे और प्रतिष्ठा
तो हो चुकी है, अभी बस खाना वाना रह गया है। तो हमने सोचा है हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद हम वापस चले जाएंगे। और मिलिए, पल्लवी भी आई है। हाय पल्लवी। सो आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद, हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। सो बाय बाय। सो हम सब फ्रेश हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं गाँव खाना खाने। हाँ हाँ, हम आ गए हैं। पल्लू पीछे से आ रही है। चलो यार चलते हैं यार, है ना? जिम्मी को ले जाना है? नहीं, जिम्मी को नहीं ले जाना है। अरे मेरी चप्पल कहाँ है? ओके गाइज, बाय बाय। कितना अंधेरा हो गया वैसे। एक तो ना गाइज, आप देवता जी जा रहे हैं सराज गांव को, क्योंकि वहां पे भी प्रतिष्ठा है। सो गाइज, अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर वापस, क्योंकि प्रतिष्ठा का समापन हो चुका है। और आपको शायद पटाखों की आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि सरास में भी प्रतिष्ठा है और वहाँ पर देवता जी का स्वागत हो रहा है। तो देवता जी वहाँ पहुँच चुके हैं। सो गाइज, मैं इसी के साथ ही आज का व्लॉग एंड करती हूँ। एंड आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ बहुत सारा प्यार दें एंड बहुत सारा सपोर्ट दें मेरे चैनल को। सो बाय बाय।